तो ये है हमारे पास पोको X6 Pro 5G जो कि हमने फ्लिपकार्ट से जो है फर्स्ट सेल पे परचेज किया है, और जो कलर हमने यहाँ पे परचेज किया है वो है येलो वीगन लेदर। आपको ये तीन और कलर वेरिएंट्स के साथ देखने को मिलता है। जो वेरिएंट हमारे पास है वो है 256 GB का और 8 GB रैम के साथ आपको देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन और बेंचमार्क रिजल्ट्स इन सभी को यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बॉक्स में जो है कुछ चीजें यहाँ पे देखने मिलती हैं। आपको अपना मोबाइल फोन यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बार जो है आपको यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का जो है प्रोटेक्टेड केस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि अच्छी बात है। नहीं तो मोस्टली जो आपके जो व्हाइट कलर जो केसेस होते हैं ट्रांसपेरेंट, वो कुछ टाइम बाद जो है येलो पड़ जाते हैं। USB-A टू USB-C जो है आपको यहाँ पे केबल प्रोवाइड की गई है आपको फोन को चार्ज या अपने फोन को डाटा से कनेक्ट करने के लिए या PC साथ कनेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 67 वॉट का जो है फास्ट चार्जर यहाँ कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पोको X6 Pro जो है आपको Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ यहाँ पे देखने को मिला है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीगन लेदर है और येलो कलर में आपको देखने को मिलता है। बाकी वेरियंट जो है आपको ब्लैक और ग्रे में जो है ग्लास बैक पैनल के साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखें तो आपको IR ब्लास्टर और स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलती है। हेडफोन जैक जो है यहाँ पे इस टाइम पे आपको देखने को नहीं मिला है। राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे आपके वॉल्यूम बटन्स और जो है पावर का बटन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो कि थोड़ा सा जो है आपको गोल्डन कलर में यहाँ पे देखने को मिलता है। और बॉटम एंड पे बात करें तो आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, आपको USB पोर्ट देखने को मिलता है एंड आपको यहाँ पे सिम ट्रे यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप इसके अंदर जो है ड्यूल सिम को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि फोन का वेट जो है आपको यहाँ पे अगर आप इसके ब्लैक और ग्रे वेरिएंट लेते हैं तो आपको जो है 186 ग्राम के साथ आपको देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें जो बॉडी है आपको प्लास्टिक की देखने मिलती है बैक साइड पे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये येलो कलर में जो है वीगन लेदर के साथ आपको देखने को मिला है, तो इसका जो टोटल ग्राम है वो आपको 190 ग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वेट बैलेंस जो है काफी अच्छी तरह से पोको ने इस टाइम पे यहाँ पे किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको इन डिस्प्ले जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे देखने को मिलता है। HyperOS के साथ जो है ये फोन जो है इंडिया में रिलीज किया गया है। तो HyperOS के सभी फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे आप इसके अंदर डेप्थ इफेक्ट वगैरह यूज करना चाहें वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो काफी सारी जो है कस्टमाइजेशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर आप HyperOS के सभी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो क्रिएट कर रखा है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इवन जो है अगर आप देखें तो आपको काफी अल्ट्रा थिन बीजल्स जो है यहाँ पे पोको X6 Pro के अंदर प्रोवाइड होते हैं, जो कि काफी अच्छा फील जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आप देख पा रहे होंगे बीजल्स जो है काफी कम यहाँ पे आपको इस फोन में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फोन के अंदर जो है आपको 5000 mAh की यहाँ पे बैटरी मिलती है और 67 वाट का जो है यहाँ पे आपको चार्जर प्रोवाइड किया है, जो कि आपको बॉक्स के साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि फोन ने आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया है। अगर फोन के डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.67 इंच का जो है FHD++ AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी जो है आपको काफी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। ड्यूल स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट आप यहाँ पे देख पाते हैं। इवन जो है आप इसके अंदर HDR में भी वीडियोस को यहाँ पे देख पाते हैं। मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप। हम जो है इस टाइम पे जो है आपको देख पा रहे होंगे HDR में आप जो है YouTube वीडियोस को यहाँ पे आप ठीक तरीके से प्ले कर पाते हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं कुछ किस तरीके की जो है डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। जल्दी जो है मैं Redmi Note 13 Pro और साथ ही साथ Poco X6 Pro का एक कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे आपके सारे डाउट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 1800 निट्स की जो है आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस इसके अंदर देखने को मिलती है, तो यानी कि आउटडोर में जो है आपको ज्यादा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। इवन जो है ये सनलाइट मोड और रीडिंग मोड को भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ये एक अच्छी बात है कि जो ब्राइटनेस जो है इस डिस्प्ले पैनल की काफी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अगर आप अपने फोन पे नेटफ्लिक्स वगैरह जो है स्ट्रीमिंग सर्विसेज को यूज करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको इसके अंदर HDR10 HEVC का सपोर्ट, इवन जो है डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यानी आप HDR10 के अंदर इसके अंदर वीडियोस को यहाँ पे वॉच करते हैं, जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपको इस फोन के थ्रू यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि फोन जो है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिला है। UFS 4.0 और LPDDR5X के साथ आपको देखने को मिला है, यानी कि जो है इसके परफॉर्मेंस जो आपको अच्छी मिलने वाली है स्टोरेज वगैरह में स्पीड वगैरह के अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात है आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर फोन की परफॉर्मेंस वगैरह की बात की जाए तो हमने कुछ इसके अंदर बेंचमार्क रिजल्ट्स को भी टेस्ट किया था, तो आप देख पा रहे होंगे N22 का स्कोर जो हमें देखने को मिला है 1334372, जो कि काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये टेस्ट जो था हमने नॉर्मल मोड पे किया था, फिर उसके बाद जो है हमने कुछ टाइम के बाद इसके अंदर परफॉर्मेंस मोड के अंदर भी जो है इसी बेंचमार्क रिजल्ट्स को चेक किया, तो उसके बाद जो है रिजल्ट्स काफी अच्छे निकल के आए। तो जो परफॉर्मेंस मोड पे हमको जो रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं वो है 1449571,
तो ओवरऑल देखा जाए तो फोन काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ आपको मिल जाता है। इवन इसके अंदर हमने कुछ अपने जो है सीपीयू थ्रॉटलिंग जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमने इसके अंदर किए, जो कि हमने 15 मिनट 100 थ्रेड्स पे यहाँ पे किए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सीपीयू थ्रॉटल टू 84% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, और कुछ इस तरीके के थ्रॉटलिंग के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब काफी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि BGMI, इसे पबजी भी बोलते हैं, आप कौन कौन से मोड पे यहाँ पे खेल पाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे BGMI को हमने यहाँ पे लॉन्च कर रखा है, आपको गेम टर्बो का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आप वॉइस चेंजर वगैरह यूज कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहें वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सेटिंग्स में मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मोड पे आप इसके अंदर गेम्स को खेल पाते हैं। तो हम चलते हैं सेटिंग्स एंड ग्राफिक्स के पेज के ऊपर। तो आप स्मूथ में जो है आप इसके अंदर एक्सट्रीम पे भी गेम को खेल सकते हैं और 90 FPS पे भी आप इसके अंदर गेम को खेल सकते हैं। अल्ट्रा HDR मोड पे अभी आप इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, HDR मोड पे जाके आप अल्ट्रा तक इसके अंदर खेल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्मूथ या एक्सट्रीम के ऊपर या स्मूथ या 90 FPS के ऊपर से गेम खेलें, तो आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे गेमिंग के टाइम पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो है 90 FPS का सपोर्ट जो है आपको गेमिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर फोन के OS की बात करें तो ये फोन जो है आपको Xiaomi के HyperOS के लेटेस्ट बिल्ड के साथ यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके अंदर आपको Android 14 यहाँ पे देखने को मिलता है। स्टोरेज स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ये कंज्यूम करता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो सिस्टम जो है वो इस टाइम पे 8.36 GB यहाँ पे यूज कर रहा है और सिस्टम फाइल जो है 14.90 GB यहाँ पे कंज्यूम करती है। HyperOS के साथ आपको ये देखने को मिला है, बट हाँ अभी भी जो है आपको काफी सारे ब्लॉटवेयर जो है इसके अंदर यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो हाँ ब्लॉटवेयर अभी भी आपको इसके अंदर काफी सारे प्रोवाइड किए हैं, बट अच्छी बात ये है आप इनमें से काफी सारे ब्रॉडवर्ड को जो है इजीली यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इवन कुछ जो है कुछ सिस्टम एप्स को भी अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहें तो आप उनको भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपको ब्लॉटवेयर तो मिला है बट आप उनको अनइंस्टॉल भी करते हैं। बट मैं तो ये चाहता हूँ कि कंपनीज को जो है कम से कम ब्लॉटवेयर देना चाहिए, बल्कि उनको देना ही नहीं चाहिए एक यूजर्स के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। एंड सेकंड थिंग, आपको इसके अंदर जो है फाइनली जो है MIUI का डायलर देखने को मिला है, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहें तो वो सारे सपोर्ट आपको इस फोन के थ्रू यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन सबसे अच्छी बात यह है कि फोन आपको Xiaomi HyperOS और Android 14 के साथ देखने को मिला है। इवन कंपनी ने आपको ये भी कहा है कि 3 साल तक जो है आपको इसके Android OS के अपडेट देखने को मिलेंगे, यानी 15, 16, 17, Android 17 तक आपको इसके Android के अपडेट देखने को मिलेंगे और 4 ईयर्स के आपको इसके अंदर सिक्योरिटी पैच के अपडेट देखने को मिलेंगे, जो कि पोको की तरफ से जो है एक काफी अच्छा स्टेप है अपने यूजर्स को अपडेट्स देने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कैमरा मॉड्यूल जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलता है, जो 4th नंबर पे ही ये है ये फ्लैश है, बाकी 3 कैमरे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पे देखने मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड किया गया है और 2 मेगापिक्सल का जो है आपको मैक्रो कैमरा यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो फ्रंट कैमरा जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस डिवाइस के साथ वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा, जिसे आप सेल्फी कैमरा भी बोलते हैं। अब रियर कैमरे से जो है आप इसमें नॉर्मल वीडियोस को भी शूट कर सकते हैं और स्लो मोशन में भी वीडियो को शूट करते हैं। अगर वीडियो पर जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ आप 4K के अंदर जो है इसके अंदर किस किस मोड पे शूट कर पाते हैं। 4K में आप इसके अंदर 24 FPS और 30 FPS की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। इवन जो है आपको 1080p के अंदर जो है आपको इसके अंदर 30 FPS और 60 FPS की रिकॉर्डिंग देखने को मिली है, और साथ ही साथ अगर आप 720p इसके अंदर शूट करते हैं तो आपको इसके अंदर सिर्फ 30 FPS की ही रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। स्लो मोशन में भी आपको 2 मोड मिल जाते हैं, 720 और 1080p। आप 1080p के ऊपर 120 FPS पे शूट कर सकते हैं, 240 FPS पे शूट कर सकते हैं और 960 FPS पे यहाँ पे आप शूट कर पाते हैं। अगर आप 720 पे शूट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इसके अंदर 4K के अंदर जो है 24 FPS और 30 FPS की रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रियर कैमरे के थ्रू देखने को मिलती है। मैंने कैमरे को टेस्ट करते समय एक चीज जो यहाँ पे नोटिस की थी, कैमरा जो है जो सनलाइट कंडीशंस होती हैं या ब्राइटनेस अच्छी हो तो वहां तो ठीक तरीके से परफॉर्म करता है, बट जहां पे लो लाइट्स होती हैं, जहां पे लाइट कम हो जाती है, तो थोड़ी सी जो है आपको यहाँ पे इसके अंदर कभी कभार जो है नॉइस वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिटेल्स जो है उस तरीके की आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। हाँ, इनकेस कोई GCam आप यूज करें तो थोड़ा बहुत जो आप उसको कन्फिग करके कुछ बेटर पिक्चर्स को यहाँ पे लो लाइट कंडीशन में भी कैप्चर कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 120Hz का जो है आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है, तो फोन जो है काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कोई भी एनिमेशन में जिटर या लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है। सुपर फोल्डर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिला है, जिसमें आपको ब्लर मोड जो है बैकग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता है। इवन जो है कंट्रोल सेंटर भी अब आपको नया देखने को मिल जाता है। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि जिसमें मैं आपके साथ पोको X6 Pro की अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, बेंचमार्क और कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।